नई सुधा प्रेजेंट्स खुल्फाए राशिदीन के दिलचस्प वाकयात। एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लोगों के हालात मालूम करने के लिए बाहर निकले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों को देखा कि वो पस्त आवाज में नमाज पढ़ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नजर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हों पर पड़ी तो देखा कि वो बुलंद आवाज से नमाज पढ़ रहे हैं। बाद अज़ा जब वो दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपके सामने बैठ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर, मेरा गुजर तुम्हारे पास से हुआ तो मैंने देखा कि तुम पस्त आवाज में नमाज पढ़ रहे थे। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं उस जात को सुना रहा था जिसके साथ मैं सरगोशी करता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों से पूछा, ए उमर, जब मेरा गुजर तुम्हारे पास से हुआ तो मैंने देखा कि तुम बुलंद आवाज से नमाज पढ़ रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं सोए हुओं को जगा रहा था और शैतान को भगा रहा था। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुशी का इजहार करते हुए और एतदाल की तालीम देते हुए फरमाया, ए अबू बकर, तुम अपनी आवाज को बुलंद करो और ए उमर, तुम अपनी आवाज को कदरे पस्त करो। रवाहुन निसाईयू।